हमने कोरोना कालखंड में इस चीज को महसूस किया। बहुत सारे छात्र थे जो चाहते थे रेगुलरली अपना क्लास अटेंड करना है, लेकिन कोरोना के नाते हम स्कूल कॉलेजेस नहीं खोल सकते थे। इसके अंदर 1 करोड़ युवाओं को हम टैबलेट और स्मार्टफोन देने का कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को अपने एक दिवसीय कार्यक्रम में वाराणसी पहुंचे थे। इस दौरान वो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित छात्र छात्राओं को टैबलेट एवं स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित किए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में डिजिटल इंडिया की बात की थी और युवाओं के लिए तमाम योजनाओं की घोषणा की थी। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, दुनिया में सबसे अधिक युवा भारत में है और भारत में सबसे अधिक युवा उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति की दिशा ही देश की दिशा होगी। भारत दुनिया में ताकत के रूप में उभर रहा है और वैश्विक मंच पर स्थापित हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना काल के दौरान मैंने महसूस किया कि छात्र छात्राएं पढ़ना चाहते थे, वे ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन संसाधन के अभाव में वे बेबस रहे। तभी उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे युवाओं को टैबलेट स्मार्टफोन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया और उन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश के 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट एवं स्मार्टफोन दिए जाएंगे। वाराणसी के 90,000 छात्र छात्राओं को टैबलेट व स्मार्टफोन दिए जाएंगे। इसके साथ ही डिजिटल एसेसरीज भी निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। युवाओं को उपलब्ध कराए जा रहे टैबलेट एवं स्मार्टफोन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा युवाओं के लिए चालू किए गए स्टार्टअप स्टैंडअप मुद्रा योजना, पीएम स्वनिधि योजना, उत्तर प्रदेश सरकार की ODOP आदि योजनाओं के संबंध में विस्तार से सूचनाएं समाहित की गई हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल एक्सरसाइज दुनिया में शुरू होने से हमारे युवा भी इसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कोरोना काल की चर्चा करते हुए कहा कि भारत का कोरोना प्रबंधन पूरी दुनिया में अव्वल रहा है, जिसको पूरी दुनिया में सराहा गया। उन्होंने बताया कि अमेरिका की आबादी भारत के आबादी का 1/4 है, किंतु कोरोना काल में भारत की अपेक्षा 1.5 गुना मौत हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव वीएनएस। हमें उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगी नाथ जी द्वारा टैबलेट और मोबाइल प्राप्त हुआ यहाँ रुद्राक्ष ऑडिटोरियम में। कोरोना की वजह से कई बार ऐसा हुआ है कि बच्चे ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे थे, बच्चे ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ नहीं पा रहे थे, तो इस वजह से उन्होंने ये बेहतर सोचा है हमारे लिए कि हम ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सके और एग्ज़ाम दे सके। क्योंकि कोविड के पीरियड में हर बार ऐसा होता था कि बच्चे दूर दूर से आ नहीं पाते थे एग्ज़ाम देने के लिए और कॉलेजेस हम लोग के खुले नहीं होते थे। बहुत दिक्कत होती थी, अब दिक्कत नहीं आएगी, जिससे हम लोग स्मार्टफोन की वजह से अपना पढ़ाई अच्छे से कर सकेंगे और जैसे कि कोई भी ऑनलाइन एग्ज़ाम की तैयारी करना हो तो उससे हम लोग और अच्छे तरीके से अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकेंगे। भविष्य में क्या बनना चाहती हो? भविष्य में UPSC की तैयारी करना चाहते हैं। आज मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी से टैबलेट प्राप्त हुआ है और इसके लिए मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मैं आगे जाके एक प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहता हूँ और इससे मुझे कोरोना काल में अगर आगे परिस्थितियाँ बिगड़ती हैं तो उसमें मुझे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा और इससे मैं किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए, पढ़ाई में दिक्कतें तो बहुत आती थी, जैसे बहुत सारे परिवार हैं ऐसे जो अक्षम परिवार होते हैं जो पूरी तरह से खर्चा नहीं दे पाते हैं या फिर ऐसे कह लें कि उनकी परिस्थितियाँ उस तरह नहीं होती हैं। ये मिलने से हम इस चीज़ों को ज़्यादातर रोक पाएंगे और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा पाएंगे। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।